अस्सलामु अलैकुम क्लास, टुडे वी विल लर्न टॉपिक नंबर 2.4, दैट इज़ रोल एंड यूजेस ऑफ एयर गैसेस। सो एज यू नो, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इट इज़ कंपोज ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस विच आर वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द लाइफ। सो इन दिस चैप्टर वी विल रीड हाउ दिस गैसेज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ, हाउ दे आर सपोर्टिंग लाइफ एंड अदर प्रोसेस ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड रोल ऑफ नाइट्रोजन। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर इज़ नाइट्रोजन गैस, इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। सो नाउ वी विल रीड हाउ एयर इज नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एयर। सो द फर्स्ट वन, इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव गैस एंड कंट्रोल द कंबस्टन प्रोसेस। अब नाइट्रोजन क्या है? दिस इज़ अ वेरी वेरी मच लीस्ट रिएक्टिव गैस। ठीक है, हमारे पास जितने भी गैसेज हैं उसमें से नाइट्रोजन जो है दिस इज़ द लीस्ट रिएक्टिव गैस एंड इट कंट्रोल द कंबस्टन प्रोसेस। If there had been no nitrogen, it would have been impossible to put any fire out till all the material was burned to ash. अगर हमारी एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट ना होती तो हमारे लिए कंबस्टन प्रोसेस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता, यहाँ तक कि हमारा बर्निंग मटीरियल टोटली एशेस में कन्वर्ट हो जाता। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, एज इट इज़ अ लीस्ट रिएक्टिव गैस, वी कैन कंट्रोल द कंबस्टन प्रोसेस। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज़, नाइट्रोजन इन एयर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाई प्लांट्स। अब नाइट्रोजन जो है, इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन एज वेल। सो हाउ प्लांट यूज़ नाइट्रोजन? अब डेफिनेटली प्लांट जो हैं, जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको डायरेक्टली तो यूज़ नहीं कर सकते, तो प्लांट उसको कैसे यूज़ करेंगे? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग नाइट्रोजन इन टू कंपाउंड दैट प्लांट कैन यूज इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो डेफिनेटली नाइट्रोजन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा, तभी उसको प्लांट यूज़ कर सकेंगे। और वो प्रोसेस जिससे हम नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच फॉर्म नीटिक एसिड व्हेन रिएक्ट विद रेन वाटर। अब क्या है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं, जब वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बना देते हैं? न्यूट्रिक एसिड। ठीक है, द नाइट्रोजन दस रीचेज द ग्राउंड एंड इज़ यूज अप बाय द लैंड एंड वाटर प्लांट्स। ठीक है, अब मैं बात कर रही थी कि नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में, डेफिनेटली प्लांट उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगी और क्या बना लेगी? न्यूट्रिक एसिड। अब जब वो रेन वाटर सॉइल पे फॉल करेगा तो वो जो कन्वर्टेड फॉर्म है नाइट्रोजन की, वो प्लांट रूट्स जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो सो दिस इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, अब देखिए थर्ड पॉइंट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब पहले तो हमने पढ़ा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब हमारे पास है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन विद द हेल्प ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट ऑफ लेग्यूम प्लांट्स। अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर वेरी 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 मच यूज़फुल, दे आर हेल्पफुल। ठीक है, कुछ प्लांट फ्रेंडली बैक्टीरिया जो होते हैं, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में होते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं विच फॉर्म बीन्स, लाइक हमारे पास जैसे मटर हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया, पीनट्स होगी हमारे पास। ठीक है, इस तरह की प्लांट्स जिनमें हमारे पास बीन्स बनती हैं उनको हम क्या कहते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट। तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन द बायोलॉजिकल फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। द बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन बाय रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन टू नाइट्रेट आइन्स। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट आइन में कन्वर्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, नाउ द फोर्थ पॉइंट इज़ द नाइट्रेट आइन्स आर वाटर सोलिबल एंड आर यूज बाई द प्लांट टू मेक प्रोटीन्स। अब ये जो नाइट्रेट आइन्स होते हैं ये वाटर सोलिबल होते हैं। जब हम प्लांट को वाटरिंग करते हैं तो ये नाइट्रेट आइन्स जो हैं ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, और जब प्लांट्स उन वाटर को यूज़ करता है तो ये नाइट्रोजन जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, और प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं फॉर इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। Animal eat the plant and use the plant protein to make their own protein and excrete nitrogen waste such as urea. अब animals क्या करते हैं? जब उन plants को utilize करते हैं तो definitely वो protein जो है वो animals को भी available हो जाती है। ठीक है, और nitrogenous
वेस्ट जो होते हैं दे आर एक्सक्रीटेड बाय एनिमल्स सच एज यूरिया. नाउ द नेक्स्ट इज रोल एंड यूजेस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर बाय 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम बट इट प्ले अ की रोल बीइंग मोस्ट एक्टिव. अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है हमारे एयर में 1/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम प्रेजेंट होती है, ठीक है, एंड इट प्ले द मोस्ट एक्टिव रोल. लाइफ ऑफ एनिमल डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन एंड इट इज़ यूज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. अब डेफिनेटली इफ देर इज़ नो ऑक्सीजन देर इज़ नो लाइफ. तो ऑक्सीजन जो है एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रही है इन सपोर्टिंग लाइफ. जितने भी प्लांट्स इवन प्लांट्स एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे ऑल आर यूजिंग ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन. Now come to the first point, that is in respiration the air is inhaled and brought in contact with blood in lungs. अब during respiration क्या होता है कि जब हम air को inhale करते हैं वो वहाँ से हमारे blood में चली जाती है, ठीक है, और blood उसको हमारे lungs में ले जाता है, ठीक है, और वो finally blood circulate करते हुए हमारे तमाम body cells को available होती है, which is very 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 much important for life. The oxygen present in air react with hemoglobin of blood to form oxyhemoglobin in lungs. This oxyhemoglobin is then transported from lung to cell through arteries. अब क्या होती है कि ये जो ऑक्सीजन जो हमारे एयर में प्रेजेंट होती है वो हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करती है और क्या बना लेती है, ऑक्सीहेमोग्लोबिन, ठीक है, और ये जो ऑक्सीहेमोग्लोबिन होता है वो फिर हमारे लंग से विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज हमारी सारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, समझ आ गई आपको. सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो वहाँ से हमारे ब्लड में जाती है, वो हमारे ब्लड में जाके हमारे हेमोग्लोबिन से रिएक्ट करके ऑक्सीहेमोग्लोबिन बनाती है, वहाँ से वो हमारे लंग्स को भेजी जाती है, ठीक है, वहाँ से ऑक्सीजन लंग्स को जाती है और फाइनली लंग्स क्या करता है कि जब ब्लड को हमारी आर्टरीज से आर्टरीज में ट्रांसपोर्ट करता है तो वो ऑक्सीजन जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड वो हमारी तमाम सेल्स को ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है. And this is called the process of respiration. So the second point is in the cell oxygen is used for oxidation of food to produce energy, carbon dioxide and water. Hence oxygen is essential in air used to produce energy from food. अब क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है हमारे फूड की ऑक्सीडेशन भी करती है और क्या करती है, एनर्जी रिलीज करती है, कार्बन डाई रिलीज करती है एंड वाटर. सो ऑक्सीजन इज़ आल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑक्सीडेशन, या आप ये भी कह सकते हैं कि फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ फूड. दस एनर्जी कीप अस वार्म एंड इनेबल अस टू डू वर्क. इफ देयर हैड बीन नो ऑक्सीजन देयर वुड हैव बीन नो लाइफ, ठीक है. अब डेफिनेटली हमें वर्क करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर है, ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी, फूड मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, एनर्जी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो फाइनली देयर विल बी नो लाइफ. सो द थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्निंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्यूल दैट इज़ कोल पेट्रोलियम एंड गैस. अब ऑक्सीजन जो है दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर कंबस्टन प्रोसेस फॉर बर्निंग कोल पेट्रोलियम एंड गैसेस. इन बर्निंग प्रोसेस ऑक्सीजन इन एयर रिएक्ट विद फ्यूल एंड प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है. अब बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एयर के साथ रिएक्ट करती है और क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है. बर्निंग गैस लिबरेट एनर्जी which is used for cooking purpose and other activities, ठीक है. और ये हम process of burning जिसमें energy produce हो रही है इसको हम use करते हैं for cooking and other purposes, ठीक है. Now the fourth point is oxygen is also responsible for fermentation and rusting process, ठीक है. अब हमारे fermentation is an industrial process. ज़्यादातर हमारे जितने भी हमारे पास beverages हैं उनमें fermentation process जो है वो use होता है, तो उसमें भी oxygen जो है it play a vital role और rusting process में जो है oxygen use होती है, ठीक है.